एकलव्य पिछले जन्म के कर्म और उसके फल के बारे में बताया गया है। एकलव्य कृष्ण के चचेरे भाई थे, वो देवश्रवा के पुत्र थे। देवश्रवा वसुदेव के भाई थे। देवश्रव जंगल में खो जाते हैं, जिसे हिरण्यधनु ढूंढते हैं, इसीलिए एकलव्य हिरण्यधनु के पुत्र कहलाते हैं। एकलव्य धनुर्धर विद्या सीखने गुरु द्रोण के पास जाते हैं। द्रोण को जब पता चलता है एकलव्य छोटे जाति का रहने वाला है, तो उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल देते हैं और धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। इसके बाद एकलव्य द्रोण की मूर्ति बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहते हैं एकलव्य अर्जुन से भी महान धनुर्वादी धनुर्विद्या का ज्ञान रखता था। जब ये बात द्रोण को पता चली तो उन्होंने एकलव्य से अपनी गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोण ने एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा, जिससे वो कभी धनुष न चला सके। एकलव्य ने एक अच्छे शिष्य होने के नाते उन्हें अपना अंगूठा दे दिया। एकलव्य की मौत कृष्ण के द्वारा रुक्मणी स्वयंवर के दौरान हुई थी। वे अपने पिता की रक्षा करते हुए मारे गए थे। इसके बाद कृष्ण ने एकलव्य को द्रोण से बदला लेने के लिए फिर से जन्म लेने का वरदान दिया। एकलव्य ने फिर धृष्टद्युम्न के रूप में अग्नि से जन्म लिया। ये द्रौपदी नरेश का पुत्र और द्रौपदी का भाई था, जिसे द्रौपदी नाम से भी जाना जाता है। महाभारत युद्ध में द्रौपदी भी शामिल था और उसने द्रोण को मारकर अपना बदला लिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।